The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. आज के डेट में अगर आपको सिम्टम है, देखो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं अगर मुझे सिम्टम है तो कोरोना का टेस्ट कराने जाऊं, पहली बार. सो अब इशू क्या हो जाता है, मान लीजिए कि आप आज के डेट में सब के सब भीड़ लगा के बैठे हैं, आप बाहर जा रहे हो टेस्टिंग सेंटर में जहां भीड़ है वहां आप टेस्ट कराने जा रहे हो, आपको हल्का फुल्का बॉडी पेन है, माइट बी जस्ट कॉमन फ्लू, माइट बी डिहाइड्रेशन, माइट बी आप ओवर एग्जॉशन है, और आपको था नहीं कोरोना लेकिन आप गए टेस्ट कराने और वो कोरोना पॉजिटिव आ गया. इतनी जल्दी पॉजिटिव आ गया, और हो सकता है आज के डेट में ये भी हो रहा है लैब्स के द्वारा, मार्केट में कई सारे लैब है कि सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं. जितने टेस्ट मार्केट में जा रहे हैं ऐसे कई सारी जगहों पे लोग शक कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कोई पुष्टि नहीं कर सकते, बट बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो भी टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं. मे बी टेस्ट इतने सारे हो रहे हैं, मे बी देर आर सम इश्यूज, मे बी वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि आप टेस्ट करवाने जाते हो तो वहां पर कोरोना संक्रमित हो सकते हो, वहीं पर कोरोना आपके अंदर जा सकता है, ये बिल्कुल है. सेम थिंग हो सकती है वैक्सीन के साथ, जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन लगाते लगाते आपके अंदर कोरोना वायरस भी गया, तो क्या हो गया, ड्यूअल इनोक्यूलेशन हो गया, आपके अंदर वैक्सीन भी गई जिसमें कोरोना का छोटा सा हाथ है और आपके अंदर कोरोना भी गया, तो कोरोना भी आया वैक्सीन भी आई, टेक्निकली तो इन्फ्लामेशन डबल हो गया, राइट. सो ये बहुत बड़ा इशू है जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में हो रहा है, कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइनें लग जाती हैं, एवरीबडी स्टैंडिंग देयर, और वहां पर फैल रहा है. तो इसलिए अब कुछ जगहों पे होम वैक्सीनेशन का ऑप्शंस चालू हो गए हैं, अच्छी बात है. तो मेरे हिसाब से वैक्सीन अगर लगाना है तो अपने घर पे बुला के लगाइए, होम वैक्सीनेशन करिए, या कुछ जगहों पे अब कार में वैक्सीनेशन करने लगे हैं कि आप रास्ते में आओगे कार में आपको वैक्सीन लग जाएगी, और सैंपल भी कई जगहों पे आप आओगे कार के कार से आपके गले से सैंपल लेके आपको निकाल दिया जाएगा, आगे बढ़ो. सो दैट शुड बी एप्लीकेबल हियर, वहां जाके भीड़ में जाके ऐसे कोविड अस्पतालों में ऐसी जगहों पे जाके अपने वैक्सीन लगवाना या टेस्ट करवाना, दोनों खतरे से खाली नहीं है इस सिचुएशन में. मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, बट फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस अगर आपको अभी कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, बॉडी पेन भी क्यों ना हो, फीवरिश क्यों ना लग रहा हो, गला खराब हो, सर्दी हो, स्मेल नहीं आ रही, या कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, बॉडी का एक इन्फ्लामेशन का साइन है, बॉडी कह रही है आपसे कि इट माइट बी हिमिकल इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो दबा के पानी पीजिए, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अनटिल आपको डॉक्टर ने मना किया है, हार्ट की बीमारी है, कुछ है, किडनी की बीमारी है तो मना किया, इतने ज़्यादा पानी नहीं पीना तब, वरना पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस. अपने वैक्सीन्स अगर नहीं लिया कोई बात नहीं, अभी उल्टा जाके लेके जाने की जरूरत नहीं है. मेरा पॉइंट है कि हर सिम्टम को कोरोना वायरस मान के चलोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ना कि एकदम पता चला कि अरे मेरे को कोरोना वायरस था, मैंने तो घर पे सबको दे दिया, बच्चे को भी दे दिया, बच्चे भी सीरियस हो रहे हैं, बच्चे कोरोना वायरस से एडमिट हो रहे हैं, बच्चे अस्पताल में, हमारे अस्पताल में सारे पीडियाट्रिक आईसीयू कोरोना के बच्चों से, एडमिटेड बच्चों से भर गया है, कोरोना में जीबीएस हो रहा है, बच्चों को निमोनिया हो रहा है, लंग में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. सो इट इज़ गोइंग वेरी, बहुत ज़्यादा बिजार सिचुएशन होने वाली है. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है तो मत निकलो, प्लीज़ डू दैट. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, शेयर दिस वीडियो.